गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल फर्दर कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ टेन चैप्टर ऑफ हिस्ट्री हर्षवर्धन एंड द चरित्र हर्षवर्धन तथा चरित्र While we can learn about the Gupta rulers from their encryptions and coins, we can find out about some kings from biography. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवन शैली से पता चलता है ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था ज कोल्ट पोएट बाण भट्ट रोट हिज बायोग्राफी चरित्र इन संस्कृत उनके दरबारी कवि दरबारी कवि यानी जो दरबार में कवि थे उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित लिखी है दिस गिव्स अस द जेनियोलॉजी ऑफ हर्ष एंड एंड्स विथ हिज कमिंग किंग इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है स्वयंसांग अबाउट म यू रीड इन चैप्टर नाइन आल्सो स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्साज कोर्ट एंड लेप्ट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वाट ही सॉ चीनी तीर्थयात्री स्वैंसांग जिनके बारे में तुमने अध्यायन नौ में पढ़ा है काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ ही आफ्टर बोथ हिज फादर एंड ब्रदर डेड हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे परन्तु अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थाने सर के राजा बने हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही वॉज किल्ड बाई द रूलर ऑफ बंगाल उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया एल ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कंक्यूर्ड बोथ मगध एंड बंगाल ही वाज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली ही tried टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च into the द but बट वाज स्टॉप्ड a ए रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डाइनेस्टी II. जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया द पल्लवाज चालुक्यास एंड पुलकेशियंस प्रशस्ति पल्लो चालुक और पुलकेशियन द्वितीय की प्रशस्तियाँ द पल्लाज एंड चालुक्याज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डेनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश के थे द किंगडम ऑफ द पलवाज स्प्रेट फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा वाइल दैट ऑफ द चालू क्याजवाज सेंटर्ड अराउंड द रचूरदोब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा पल्लों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला था एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर चालुक्यों की राजधानी एहॉल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर विथ ए नंबर ऑफ टेम्पल्स धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे द पलवाज एंड चालुक्याज फ्रिक्वेंटली रेड वन एनादर्स लैंड स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज वर प्रोप्रियस टाउंस पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे द वेस्ट नॉन चालुक्य रूलरवाद पुलकेशियन सेकेंड पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति कम्पोज बाई हिज कोर्ट पोएट रविकीर्ति उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है दिस टेल्स अस अबाउट हीज एंशर हू आर ट्रेस्ड बैक थ्रू फॉर जनरेशन्स फ्रॉम फादर टू सन इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है पुलकेशियन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल पुलकेशियन दुती को अपने चाचा से यह राज्य मिला था एकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपडेशन एलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए विसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका दे आर इन एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोइम हर्ष मीन्स हैपीनेस हर्ष का अर्थ आनंद होता है द पॉइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्स पुलकेशियन ऑल्सो अटैक्ट द पलॉकिंग हू टूक सेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा पुलकेशियन द्वती ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी बट द चालुक विक्टरी वाज शॉर्ट लिव्ड अल्टीमेटली बोथ द पलवाज एंड द चालुक्याज गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द बिलोंगिंग टू द राष्ट्र राष्ट्रकूट एंड चोला डेनेस्टीज अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास सेवेंथ पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया इनके बारे में तुम कक्षा साथ में पढ़ोगे हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था एंड द विलेज रिमेंड द वेशिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते हैं लेकिन धीरे धीरे कई नए, नए बदलाव आते हैं there were some new developments as well kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or social or because of their political and military strength for instance राजाओं ने सा, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए उदाहरण के तौर पर सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर नाउ हेरेडेटरी कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे दिस मीन्स द सन्स सक्सीडेड फादर टू दीज पोस्ट फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट हरसेन द पोइट वाज ए महा दंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर जैसा कि कवि हरसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस फॉर इंस्टेंस

तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था जैसे कि हरिसेण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संद विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था बिसाइड इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड इज से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिस इंक्लूडेड द दिस इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी द सार्थवाह ऑफ ऑफ़ ऑफ़ लीडर द मर्चेंट कारनववार द प्रथम कुलिक द चीफ मैन एंड द हेड ऑफ कायस और स्क्राइब्स संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था इनमें नगर श्रेष्ठी थी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे दीज पॉलिसीजर रिस्पॉन्सिबली एफेक्टिव बट सुना सुनेर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रेव स्ट्रॉन्ग इनाव टू सेटअप इंडिपेंडेंट किंगडम इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक प्रभावशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे वॉट डू यू थिंक मैनी हैव बीन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग टरी ऑफिस कर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं थैंक यू